Hi kids, good morning everyone. I hope you must be fine at home, right? Today in this video we are going to start with chapter number 11's exercise explanation. ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं chapter 11 का exercise explain करूँगी. Already I have sent two videos of chapter 11. First is of hard words and second is of chapter explanation. पहले वीडियो में मैंने आपको hard words explain किए थे, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया है. ठीक है, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके, वी विल स्टार्ट विथ आंसर दीज क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हमें आंसर करने हैं. ठीक है, दिस क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क नोटबुक. ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने क्लास वर्क नोटबुक के अंदर लिखने हैं. ठीक है, ओके. क्वेश्चन वन इज व्हाई डू द बिली गॉड्स want to go over the bridge. Why do the billy goats want to go over the bridge? Billy goats ko got bridge ke upar kyun jana tha? They want to eat the sweet grass that grows on the mountains. So why do the billy goats want to go over the bridge? बिली गॉट्स माउंट ब्रिज के ऊपर क्यों जाना चाहते थे? तो दे वॉन्ट टू ईट द स्वीट ग्रास दैट ग्रोज ऑन द माउंटेन्स. माउंटेन्स पे जो स्वीट ग्रास ग्रो होता है ना, वो उन लोगों को खाना था, इसीलिए वो लोग ब्रिज के ऊपर से माउंटेन की तरफ जा रहे थे. ठीक है, वाई डू द बिली गॉट्स वॉन्ट टू गो ओवर द ब्रिज? आंसर इज दे वॉन्ट टू ईट द स्वीट ग्रास that grows on the mountains. Okay, chalo. Now next is question number 2. Who lives under the bridge? Question 2 kya hai? Who lives under the bridge? Bridge ke niche kaun rehta hai? A troll lives under the bridge. Bridge ke niche kaun rehta hai? A troll lives under the bridge. Troll ke niche, सॉरी, ब्रिज के नीचे एक ट्रोल रहता है. ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज बिग बिली गॉट ग्रूफ से टू द ट्रोल? व्हाट डज बिग बिली गॉट ग्रूफ से टू द ट्रोल? जो बिग बिली गॉट थी वो ग्रूफ को क्या बता रही थी? ही टेल्स द ट्रोल टू वेट फॉर हिज ब्रदर. पहले वो क्या बताती है? ही टेल्स द ट्रोल टू वेट फॉर हिज ब्रदर. बिगेस्ट बिली गॉट, उसका ब्रदर कौन था? बिगेस्ट बिली गॉट, उसके लिए वेट करने को बोलते हैं. देन बिगेस्ट बिली गॉट ग्रूफ, हिज ब्रदर इज बिगर देन हिम. देन ही टेल्स दैट मेरा भाई है वो मुझसे भी बड़ा है. राइट, तो व्हाट क्वेश्चन क्या था? व्हाट डज बिग बिली गॉट ग्रूफ से टू द ट्रोल? तो आंसर इज ही टेल्स द ट्रोल टू वेट फॉर हिज ब्रदर बिगेस्ट बिली गॉट ग्रूफ. हिज ब्रदर इज बिगर देन हिम, उसका भाई है वो उससे भी बड़ा है, तो आप वेट कर लो, मेरा भाई है वो आ रहा है और वो मुझसे भी बड़ा है. ठीक है, वो ट्रोल को ऐसा बताता है. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4. व्हाट हैपन्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? व्हाट हैपन्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के एंड में क्या होता है? बिगेस्ट बिली गॉट ग्रूफ टोजेस द ट्रोल ऑफ द ब्रिज. द थ्री बिली गॉड्स क्लाइंब अप द माउंटेन एंड ईट द ग्रास. तो एंड में, स्टोरी के एंड में क्या होता है? बिगेस्ट बिली गॉड ग्रूफ टोजेस द ट्रोल ऑफ द ब्रिज. द थ्री बिली गॉड्स क्लाइंब अप द माउंटेन्स एंड ईट द
ग्रास. तो बिगेस्ट बिली गॉट है वो ट्रोल है, उसके साथ फाइट होती है तो वो उसको नीचे गिरा देता है, ब्रिज के नीचे गिरा देता है. एंड देन द थ्री बिली गॉट्स, जो तीनों बिली गॉट्स है वो माउंटेन को क्लाइंब करके वहाँ पे ग्रास खाने के लिए चले जाते हैं. ठीक है, व्हाट हैपन्स एट द एंड, एंड में क्या होता है, तो बिगेस्ट बिली गॉट ग्रुप टोजेस द ट्रोल ऑफ द ब्रिज, द थ्री बिली गॉट्स क्लाइंब अप द माउंटेन एंड ईट द ग्रास. ओके, तो सबसे पहले वो ट्रोल के साथ फाइट होता है बिगेस्ट बिली गॉट का, और वो उसे ब्रिज के नीचे गिरा देता है. देन थ्री बिली गॉट्स माउंटेन पे क्लाइम करके वहाँ पे ग्रास खाते हैं. ओके, दिस इज द आंसर. अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बी. Match the words in A to the correct words in B. Next question क्या है? Match the words in A to the correct words in B. यहाँ पे two columns दिए हैं. Here the characters of the story. Story में जितने characters हैं ना उनके names हैं, और यहाँ पे कुछ dialogues हैं जो उन लोगों ने बोले हैं. ठीक है, तो ये dialogues किसने बोले हैं उसके साथ आपको उसे match करना है. ठीक है, देखो फर्स्ट इज लिटिल बिली गॉट ग्रोव, तो उन्होंने क्या बोला है, देन आई विल ग्रो बिग एंड फैट. तो ये डायलॉग किसने बोला है, देन आई विल ग्रो बिग एंड फैट, तो लिटिल बिली गॉट ग्रोव ने, तो उसको नंबर वन को बी के साथ मैच करना है. देन ए वाला क्या है, कम अलॉन्ग देन ये कौन बोलता है, जब बिगेस्ट बिली गॉट फाइट होता है ना उस ट्रोल के साथ, तब तो ए को आपको थ्री के साथ मैच करना है. ठीक है, देन इट इज देन रन अवे लिटिल गॉट, अभी भाग जाओ यहाँ से लिटिल गॉट, ये कौन बोलता है, ट्रोल. तो सी वन को नंबर फोर के साथ मैच करना है. लास्ट इज ही इज मच बिगर देन आई एम, वो मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है, ये कौन बोलता है, तो बिग बिली गॉट ग्रुप, तो उसको नंबर टू के साथ मैच करना है ऐसे. ठीक है, तो एक्सरसाइज बी में यू हैव टू मैच ए कॉलम विद बी कॉलम. ओके, देन इट इज क्वेश्चन सी, दैट इट इज थिंक एंड आंसर, ये आपको सोच के आंसर देना है. ओके, दिस यू डोंट नीड टू राइट इन योर क्लास वर्क नोटबुक, इसे आपको अपने क्लास वर्क नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. व्हाई डिड द ट्रोल लेट द लिटिल बिली गॉट ग्रुप एंड द बिग बिली गॉट ग्रुप गो ओवर द ब्रिज, जो छोटी सी बिली गॉट थी और जो उससे बड़ी मतलब बिग बिली गॉट थी, उन दोनों को ब्रिज पे से ट्रोल ने क्यों जाने दिया. तो वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है उसने क्यों जाने दिया, मे बी बिकॉज उन दोनों ने क्या बोला था कि मेरे से भी बड़ा मेरा भाई है तो आप उसे खा जाना, राइट, यू मे ईट हिम, ही इज टू बिग, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप उन्हें खा जाना, इसीलिए ट्रोल ने उन दोनों को जाने दिया कि आज मुझे बहुत बड़ी सी गॉट खाने को मिलेगी, राइट, इसीलिए ट्रोल ने उन्हें वहाँ से जाने दिया. ओके, चलो नेक्स्ट वी विल गो फॉर ग्रामर पोर्शन, अभी हम ग्रामर पोर्शन करेंगे. रीड दिस सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू द माउंटेन टू ईट ग्रास, द ट्रोल इज वेटिंग फॉर द गॉट्स. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हैं, फर्स्ट में क्या है कि मैं माउंटेन पे ग्रास खाने जा रहा हूँ, सेकेंड इज द ट्रोल इज वेटिंग फॉर द गॉड्स, ट्रोल है वो गॉड्स के लिए वेट कर रहे हैं. तो वी यूज गोइंग एंड वेटिंग व्हेन एंड एक्शन हैपन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब भी हम कुछ कर रहे हैं तभी बोलते हैं, तो तब उस एक्शन वर्ड्स में या तो डूइंग वर्ड्स में यानी वर्ब में हम आईएनजी ऐड करते हैं. ठीक है, आईएनजी हम कब ऐड करते हैं, व्हेन समथिंग वी आर डूइंग राइट नाउ एंड स्पीकिंग, हम वो चीज़ कर रहे हैं और हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, तब उस एक्शन वर्ड में हम आईएनजी ऐड करते हैं. ठीक है, उस वर्ब में पीछे हम आईएनजी ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम सिंगिंग, आई एम डांसिंग, आई एम
लाफिंग। तो ये तीनों एक्शन है वो अभी हो रही है और हम उसे किसी बता रहे हैं, राइट। दैट्स वाई हम उसमें आईएनजी ऐड कर रहे हैं। व्हेन जो चीज़ हो रही है और हम उसे बताते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। डूइंग वर्ड्स में आईएनजी तब ऐड होता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड वर्ड्स देन आंसर दिस क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनसे हमें देखना है और नीचे जो क्वेश्चंस है उनके हमें आंसर्स देने हैं। देखो फर्स्ट पिक्चर में अ गर्ल इज सिटिंग एंड रीडिंग, राइट। वो बैठी है और रीड कर रही है, तो रुथ रीड बुक, ये वर्ड्स दिए हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रुथ डूइंग, व्हाट इज रुथ डूइंग, रुथ क्या कर रही है, तो रुथ इज रीडिंग अ बुक। अभी वो बुक पढ़ रही है, राइट नाउ वो बुक पढ़ रही है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, रुथ इज रीड के पीछे हम आईएनजी ऐड करेंगे, रीडिंग बुक, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज अनु ईट मैंगो, तो अनु है वो मैंगो खा रही है, राइट। तो उन्हें यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है व्हाट इज अनु डूइंग, तो हम आंसर लिखेंगे अनु इज ईटिंग अ मैंगो, अनु है वो मैंगो खा रही है, अनु इज ईटिंग, ईट के पीछे हम आईएनजी ऐड करेंगे, अनु इज ईटिंग अ मैंगो, अनु है वो मैंगो खा रही है। व्हाट इज राज डूइंग, राज क्या कर रहा है, तो सी हियर राज क्लाइम ट्री, तो राज है वो ट्री पे क्लाइम कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है, तो यहाँ आंसर आएगा राज इज क्लाइंबिंग अ ट्री, राज है वो ट्री पे चढ़ रहा है, राज इज क्लाइंबिंग अ ट्री। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज जिमी डूइंग, जिमी क्या कर रहा है, तो व्हाट इज जिमी डूइंग, जिमी यहाँ पे क्या कर रहा है, ही इज ब्रशिंग हिज टीथ, है ना, ब्रश कर रहा है अपने टीथ को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिमी इज ब्रशिंग हिज टीथ, जिमी अपने टीथ को ब्रश कर रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट इज वोकैबुलरी, वोकैबुलरी पार्ट में आपको क्या करना है, रीड दीज सेंटेंसेस, इट इज अ सनी डे, इट इज अ रेनी डे, सो कबीर टेक्स हिज अम्ब्रेला, तो यहाँ पे टू सेंटेंसेस दिए, दे आर टेलिंग अबाउट द सीजन, सीजन के बारे में, फर्स्ट इज इट इज अ सनी डे, मतलब आज धूप निकली है तो सनी डे है, एंड इट इज रेनी डे सो कबीर टेक्स हिज अम्ब्रेला, आज रेनी डे है इसीलिए कबीर ने अपनी अम्ब्रेला अपने साथ ले ली है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स, तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, ठीक है, उन पिक्चर्स को देख के नीचे हमें कुछ हाउ द नेचर इज उसके बारे में वर्ड्स दिए हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है, ओके। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ, देखो मैन इज स्टैंडिंग, वहाँ पे सन दिखा रहा है, मतलब इट इज सनी, एस यू डबल एन वाई सनी, इट इज़ अ सनी डे पिक्चर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सनी, एस यू डबल एन वाई सनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, देखो बहुत सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं, है ना, बहुत सारे बादल है, तो इट इज़ अ क्लाउडी, सी एल ओ यू डी वाई क्लाउडी, सी एल ओ यू डी वाई क्लाउडी, ठीक है। देखो नेक्स्ट पिक्चर में इट इज़ रेनिंग, रेन बारिश हो रही है, राइट, तो इट इज़ रेनी, तो यहाँ पे आएगा आर ए आई एन वाई रेनी, आर ए आई एन वाई रेनी, ठीक है। देन इट इज़ बहुत सारी हवा चल रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, विंडी, डब्ल्यू आई एन डी वाई विंडी, डब्ल्यू आई एन डी वाई विंडी, ठीक है। देन इट इज़ लास्ट पिक्चर इज़ अबाउट, देखो स्नो, बर्फ गिर रही है, स्नो इज़ फॉलिंग, राइट, तो इट इज़ स्नोई, एस एन ओ डब्ल्यू वाई स्नोई, एस एन ओ डब्ल्यू वाई स्नोई, ओके। लाइक दैट यू हैव टू कंप्लीट द वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग पोर्शन, नेक्स्ट क्या है, राइटिंग पोर्शन,
Read these sentences. Little Billy Goat Gruff is white. He has a small brown spot on his forehead. तो यहाँ पे हमें कुछ बता रहे हैं लिटिल बिली गॉट के बारे में कि लिटिल बिली गॉट है वो वाइट कलर की है, वो छोटी है, उसका एक ब्राउन कलर का स्पॉट है उसके फोरहेड पे, राइट? तो दिस इज़ हाउ वी टॉक अबाउट पीपल, एनिमल एंड थिंग्स. वी यूज़ वर्ड्स लाइक टॉल, शॉर्ट, थिन, बिग एंड स्मॉल टू टॉक व्हाट अ पीपल एंड थिंग्स. तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि कुछ पर्सन या एनिमल्स, कुछ चीज़ों के बारे में हम जब बता रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, टॉल, शॉर्ट, थिन, बिग, स्मॉल, उसको डिस्क्राइब करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल या थिंग को हम उन वर्ड्स से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ वॉट वी टॉक अबाउट समथिंग वेन वी डिस्कस अबाउट दैट. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन ए, रीड अबाउट अनिल एंड कम्प्लीट दिस सेंटेंस. तो हमें अनिल के बारे में कुछ बताना है और वो सेंटेंसेस को कम्प्लीट करना है, ओके? तो फर्स्ट इज अनिल टॉल, थिन, ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, 5 years old. तो ये सारी हमें क्या दिया है, अनिल के बारे में क्लूज दी है, अनिल के बारे में हमें कुछ क्लूज दिए हैं. जैसे फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस क्या है, अनिल इज डैश एंड डैश. तो अनिल कैसा है, टॉल एंड थिन, है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉल एंड थिन. अनिल इज टॉल एंड थिन. अनिल है वो लंबा है और थिन मतलब दुबला भी है. ही हैज़ डैश एंड डैश. तो उसके पास क्या है, ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज. तो वो आपको यहाँ पे डैश में लिखना है. He has black hair and brown eyes. उसके hairs है वो black है और eyes है वो brown है. He is dash. तो वहाँ आएगा 5 years old. He is 5 years old. वो 5 साल का है. तो ये हम बात कर रहे हैं अनिल के बारे में, हम अनिल को describe कर रहे हैं, ठीक है? Okay. Now next is question B. Now complete these sentences about Chichi the baby monkey. तो ये चिची है वो एक बेबी मंकी है, मतलब वो छोटा सा बेबी मंकी है, ठीक है? तो उसका नाम क्या है, चिची. तो चिची 3 month old, brown, large brown eyes, a long tail. तो first is dash is a baby monkey. तो baby monkey कौन है, चिची. तो यहाँ पे हमें डैश में लिखना है चिची. इट इज़ डैश. तो वो क्या है, 3 months old. इट इज़ 3 months old. वो 3 महीने का है. इट हैज़ डैश फेस. उसका फेस कैसा है, ब्राउन. तो हियर यू हैव टू राइट ब्राउन. इट हैज़ डैश. तो उसके पास लार्ज ब्राउन आइज है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लार्ज ब्राउन आइज. इट हैज़ लार्ज ब्राउन आइज. नेक्स्ट इज इट हैज़ अ लॉन्ग टेल. उसके पास एक लंबी सी टेल है. चिल्ड्रन लव चिची. बच्चों को चिची बहुत ज़्यादा पसंद है. तो यहाँ पे हम एक छोटे से बेबी एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है? तो इट इज़ हाउ यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट समथिंग. किसी के बारे में जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे ही मेंशन करते हैं कि हाउ इट लुक्स, वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, वो शॉर्ट है, लॉन्ग है, ठीक है? तो ये सारी डिस्क्रिप्शन हम देते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग. चलो नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स. तो लाइफ स्किल में क्या है, मोना लव्स टू ग्रो प्लांट्स. मोना को प्लांट्स ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है. He sees a goat eating his mango. वो देखता है कि एक goat है वो उसकी mango खा रहा है. What should he do? Should he, उसे क्या करना चाहिए, throw stones at it and chase it away, help his parents to build a fence around the plant, give the goat some leaves and grass to eat. तो उसे क्या करना चाहिए, उसके ऊपर स्टोन्स थ्रो करने चाहिए या उसके पेरेंट्स की हेल्प लेके उस प्लांट के आगे फेंसिंग लगाना चाहिए या फिर उस गॉड को
कुछ लीव्स या ग्रास देके उसको खिलाना चाहिए. तो राइट आंसर इज सेकेंड वन. हेल्प हिज पेरेंट्स टू बिल्ड अ फेंस अराउंड द प्लांट्स. उसे अपने पेरेंट्स को हेल्प करके प्लांट के आसपास फेंस लगा देना चाहिए जिससे गॉड्स उसे खाए नहीं और प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए. ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 इज फिनिश्ड. यू हैव टू राइट द एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके क्लास वर्क नोटबुक में लिखने हैं और जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज पूरा मैंने आपको करवाया वो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. ठीक है, तो कंप्लीट इट एंड हैव अ नाइस डे. बाय एवरीवन.